हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनदीप फिटनेस। मैं हूं मनदीप सिंह, फिर से आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल मनदीप फिटनेस पर। मैं हूं मनदीप सिंह, आज मैं करने वाला हूं शोल्डर मसल के लिए। तो मैं उससे पहले वार्म अप के लिए मैं करने वाला हूं पुशअप्स। तो पहले पुशअप्स और पुलअप्स थोड़ा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपना आज का वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए करने वाला हूँ पुशअप्स। पुशअप्स में 3 सेट लगाऊंगा, आइए मेरे साथ। इसी तरह और 2 सेट लगाऊंगा, टोटल 3 सेट लगाऊंगा, उसके बाद मैं करने वाला हूँ पुलअप्स। अब मैं करने वाला हूँ पुलअप्स, ये भी लगाऊंगा मैं 3 सेट के लिए। तो देखता हूँ एक सेट में कितना करके जाता है। उसके बाद में हर एक सेट में 20-20 किलो का जंप करने वाला हूँ। पहला वार्म अप सेट मैंने लगाया था 10-10 किलो के साथ, यानी कि 20 किलो के साथ। अब मैं 40 किलो के साथ लगाऊंगा, इसमें 10 या 12 रेपिटेशन रखने वाला हूँ। ये होगा मेरा पहला सेट। ये होगा मेरा सेकेंड सेट, और ये मैं अब करने वाला हूँ 60 केजी के साथ, यानी कि ईच साइड एक साइड में 30 केजी है। अब मैं लगाऊंगा ये सेकेंड सेट। अब मैं करने वाला हूँ थर्ड सेट, और ये होगा अभी 80 केजी का। ये होगा मेरा थर्ड सेट, तो वेट पहले दिखा दी। तो मैंने हर सेट में 10-10 किलो का जंप लिया था। पहले मैंने किया था वार्म अप में 10 किलो का, 20, 30, 40, अब क्योंकि अब एक साइड में 40 केजी का। तो देखता हूँ कितना रिपीटेशन लगा सकता हूँ, देखता हूँ जितना भी लगे, और उससे बेटर करने के लिए कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आठ रिपीटेशन ही लगा पाया, तो इसमें मेरा शोल्डर प्रेस खत्म होता है। अब मैं करने वाला हूँ सेकेंड एक्सरसाइज पर। चलिए अब मैं करने वाला हूँ सेकेंड एक्सरसाइज शोल्डर मसल के लिए। ये होगा मेरे डंबल के साथ फ्रंट रेज। अब मैं करने वाला हूँ सेकेंड सेट फ्रंट रेज डंबल के साथ 17.5 केजी। देखते हैं कितना रिपीटेशन लगा सकते हैं। सेकेंड सेट कर लिया 17.5 केजी के साथ, 8 रिपीटेशन नहीं लगा पाया। इसके बाद थर्ड सेट लगाऊंगा, देखता हूँ क्या होता है, कितना लगा पाता हूँ। अब मैं करने वाला हूँ थर्ड सेट डंबल फ्रंट रेज का। तो
चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट नहीं ये थर्ड सेट खत्म करते हैं। अब मैं करने वाला हूँ 20 kg के साथ, लास्ट सेट मैंने किया था 17.5 kg के साथ, देखता हूँ कितना रिपीटेशन लगा पाता हूँ ना, क्योंकि बीच में मैं बस लाइट वेटिंग कर रहा था और कुछ दिन ही हुआ है, एक दो हफ्ता हुआ है हैवी वेट का ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट कर दिया। मेरा थर्ड सेट खत्म हो गया, 5 रिपीटेशन नहीं लगाया एक हाथ से। अब मैं करने वाला हूँ डंबल लिटिल रेजेस, ये होगा मेरा सेकंड सेट। अभी करने वाला हूँ 10 kg के साथ, देखता हूँ कितना रिपीटेशन लगा सकता हूँ। हार्ट सेट के लिए थोड़ा एनर्जी बचा के रखा है। हाँ फिलहाल अब मैं करने वाला हूँ केबल के साथ, मेरा होगा ये 4th एक्सरसाइज। अब मैं करने वाला हूँ 5th एक्सरसाइज, 5वें एक्सरसाइज शोल्डर मसल के लिए बारबेल अपराइट रो। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये होगा मेरा पहला सेट। आज का फाइनल और लास्ट वर्कआउट आज का करने वाला हूँ शोल्डर मसल के लिए स्ट्रक्स। ये था मेरा लास्ट वर्कआउट, तो आज का मेरा शोल्डर वर्कआउट यहीं पे ख़त्म होता है। कल फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग भी हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए। कल फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।